बात करेंगे एक ऐसे हॉस्पिटल की जहां लोग उस वक्त पहुंचते हैं जब वो जिंदगी की अंतिम पड़ाव में असहनीय दर्द में होते हैं। उन्हें मालूम होता है उनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है, फिर भी मथुरा के वृंदावन में भक्ति वेदांत अस्पताल में ऐसे लोगों को अध्यात्म से जोड़ा जाता है जिससे वो हर तकलीफ भूल सके। क्यों ये हॉस्पिटल खास है बताते हैं। ये मथुरा में वृंदावन का भक्ति वेदांत अस्पताल है। इस हॉस्पिटल में ऐसे रोगियों को भर्ती किया जाता है जिन पर दवाओं ने असर करना बंद कर दिया हो और उन्हें केवल दुआओं का ही सहारा हो। जिनके जिंदा रहने की उम्मीद नहीं होती ऐसे लोग यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ सेवाएं देने वाले लोग इसे हॉस्पिटल ना कहकर हॉसिप्स कहते हैं। हॉसिप्स वो जगह होती है जहाँ पर ऐसे मरीज आते हैं जो हर जगह से निराश हो चुके होते हैं और डॉक्टर उनकी बीमारी के बारे में जवाब दे चुके होते हैं। यहाँ पर दरअसल पेशेंट आते हैं जिनको असाध्य रोग हो जाता है, तो ऐसे समय में पेशेंट को अधिक से अधिक उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया जाता है जो कि भगवद गीता और भागवतम के में दिया गया है भगवान ने। तो इस जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, उस पर हम फोकस करते हैं और साथ साथ उन्हें मेडिकल केयर भी देते हैं जिससे उनको शरीर में जो कष्ट हैं उनसे उनको राहत मिले और बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। इस अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को जिंदगी के अंतिम पड़ाव में असहनीय दर्द से निजात दिलाकर आध्यात्मिक माहौल के बीच लाया जाता है जिससे कि वो मौत का डटकर सामना कर सके। अंतिम समय में यहाँ मरीज को डेथ केयर भी दी जाती है जिसमें हिंदू को गीता के पाठ सुनाने के साथ गंगा जल और तुलसी दी जाती है। क्या भक्ति करेंगे, क्या तपस्या करेंगे, तो इसलिए ठाकुर जी ने बोला केवल नाम संकीर्तन से आपको। वही मुस्लिम मरीज के लिए कुरान की आयत पढ़कर सुनाने के साथ ही पवित्र जमजम का पानी और इसी तरह दूसरे धर्मों के मरीजों को भी डेथ केयर दी जाती है जिससे कि मरीजों का भगवान के साथ संबंध बन सके और मरीज को मालूम हो कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। भगवत गीता का थोड़ा पाठ कर भगवत नाम कीर्तन कर उनके साथ बैठकर और प्रतिदिन यहाँ पर भगवान का रथ भी आता है जो कि उनको स्वयं दर्शन देने आता है क्योंकि पेशेंट हैं, बेड बाउंड होते हैं और उनको समर्थ नहीं होते कि वो स्वयं नीचे जाकर मंदिर में दर्शन करें भगवान के। तो इसीलिए हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि भगवान का एक रथ बनाया है जो हर पेशेंट के बेड तक आता है और भगवान को लोग ऑफर कर सकते हैं, कुछ फूल चढ़ा सकते हैं, चरणामृत प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल में रह रहे मरीज और उनके साथ रहने वाले तीमारदार क्या बोल रहे हैं ये आपको सुनाएं। इससे पहले आपको बता दें कि लाइलाज बीमारी से ग्रसित लोगों की आखिरी वक्त में सेवा के उद्देश्य के साथ से 2010 में इस हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। वहीं जब R9 की टीम ने इस हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला और तीमारदार से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। हाँ, आराम है, दवाई भी टाइम से दी जाती है, कीर्तन भी होता है, भगवान के दर्शन भी होते हैं, अच्छा लग रहा है। दर्द बंद है, खूब बढ़िया इलाज चल रहा है और कीर्तन राम का नाम ले जा रहा है, दर्शन मिल रहे हैं, खूब बढ़िया आराम मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ मरीज को एडमिट होने के बाद
उससे बेड चार्ज या खाने पीने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सिर्फ दवाओं का मामूली चार्ज होता है और अगर मरीज उसे देने में भी समर्थ नहीं है तो दवाएं भी निशुल्क ही दी जाती हैं और ध्यान भी रखा जाता है कि मरीज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अध्यात्म का सहारा लिया जाता है। जब इंसान को पता हो उसकी जिंदगी अब कुछ ही दिनों के लिए है तो वो डरता है और जो बची हुई जिंदगी होती है उसे भी वो ठीक से नहीं जी पाता है। ऐसे में ये वृंदावन का भक्ति वेदांत अस्पताल लोगों को आखिरी वक्त में अध्यात्म से जोड़कर उनकी तकलीफ कम करता है। कहा जाता है यहाँ दवाएं काम करना बंद कर दे वहाँ दुआओं का असर शुरू होता है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में यहाँ आने वाले लोगों को दवाओं के साथ दुआएं भी दी जाती है। आज हम मौजूद हैं भक्ति वेदांत हॉस्पिस में, जहाँ आने वाले लोगों को दवा के साथ उनके धर्म और मजहब के हिसाब से आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे उनका अंतिम सफ़र सुगमता से कट सके। डेथ केयर के साथ स्पिरिचुअल केयर और मेडिकेयर भी दी जाती है। मातु शर्मा, R9, उत्तर प्रदेश।